श्री विपिन मनन जी और हमारे शहर के आदरणीय देश शहरवासियों, आज इस वक्त अशोक ठीक इस वक्त 20 साल पहले हमारा 22 वर्ष का पुत्र कैप्टन विजयंत थापर अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए निकल गए ठीक इस वक्त। तो उस वक्त जब वो जा रहे थे तो उनके दिल में बहुत जबरदस्त एक लहर थी देश के लिए कुछ करने के लिए, देश प्रेम की, जोश की और उनके पक्के इरादे की, इरादे के साथ दुश्मन को खदेड़ने की, ये उनके उनके और उनके साथियों में बड़ी जबरदस्त एक भावना थी। कमी थी थोड़ी सी, वो कमी थी उम्मीद की जिंदा वापस आने की, लेकिन इसके साथ साथ भी उन्होंने अपना पूरा जो कास्ट किया था वो पूरा किया। उस रात जब तोपें गड़गड़ा रही थी तो इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी चल रहा था, जैसे ठीक आज लगभग हो रहा था। और जब ये हो रहा था तो इन नौजवान लड़कों ने वीरता का बिगुल बजा दिया था और वो निकल गए थे। एक बड़ी भयानक चोटी है जिसका नाम है नौ, इसका जैसे ही मेरे ये तस्वीर मेरे सामने आती है तो मुझे एक बड़ा खराब और खतरनाक पहाड़ दिखता है जो सिर्फ एक बेयर रॉक है, सिर्फ एक चोटी है, उसमें कोई हरियाली या किसी, सिर्फ एक पत्थर का ढेर है बड़ा सा और 16,000 फुट पर है। और वहां पे इस ऊंचाई के ऊपर वैसे ही सांस लेना इतना मुश्किल है और उसके साथ साथ उनको 20 केजी, हर आदमी को लगभग 20 केजी उठा के ले जाना। और इस समय इस महीने में उस दिन टेम्परेचर -15 डिग्री था और पाकिस्तानियों की जो पोजीशन थी वो ठीक नौल के ऊपर बड़ी मजबूत बंकरों से बनाई हुई सुजन की हुई और माइंस और बाव वायर के साथ उसको उन्होंने प्रोटेक्ट किया। वहां पहुंचने के लिए एक ही रास्ता था और उस रास्ते पे ये निकल पड़े थे। दोनों तरफ बड़ी गहरी खाइयां थी और उनको एक ही रास्ते पर जाना पड़ना था। तो रात के ठीक 8 बजे ये हमला स्टार्ट होना था और हमारी सेना की हमारा जो तोपखाना है उसकी 120 तोपें एक बार में उन्होंने बमबारी शुरू कर दी कि पाकिस्तानी पीछे न रह जाए। उनके तोपखाने ने भी उतनी ही तोपों के साथ बमबारी शुरू कर दी। तो एक छोटे से एरिया में 300-400 तोपों का फायर आ रहा था जो कि पूरे संसार में किसी भी लड़ाई में इतनी इंटेंसिटी का फायर नहीं हो गया। तो इसके इस आग के दरिया में से विजयंत को अपनी पलटन 2 राजपूताना राइफल्स को लीड करके नौल तक ले जाना था। अब जैसे ही विजयंत अपनी टोली के साथ असॉल्ट फॉर्मेशन बना रहे थे ठीक उस समय एक पाकिस्तानी तोपखाने का क्रंच उनके जवानों पर गिरा, कई जवान मारे गए और कई जवान घायल।
तो उन जो जो लोग मरे थे उनमें एक उनका ही बड़ी था, बड़ी मतलब एक जवान होता है जो बिल्कुल अफसर के साथ रहता है समय, और उसका लगाव और ऑफिसर का लगाव बहुत ज़्यादा रिश्ता क्लोज होता है। जब विजयंत ने देखा कि जगमल सिंह जो उनका बड़ी था वो मारा गया तो वो चक्के हो देखते रहे उसको ये क्या हो, और बम्बारी चल रही थी तो पीछे से एक अनुभवी जो सीनियर जेसीओ था उनका मान सिंह, उसने आके साहब को थपक लगाई और बोला कि क्या कर रहे हो आप, उठो और आगे बढ़ने की तैयारी करो। ठीक उस वक्त फिर साहब उठे, जितने घायल और घायल लोग थे उनको उठाया और एक आड़ में उनको रख के फिर वो आगे की कार्रवाई करने लगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अपनी अपनी जान बचाने के लिए सब लोग चिदर बितर हो गए, पहाड़ों में छुप गए इधर उधर, और रात को उन्होंने उनको इकट्ठा किया और 36 में से 19 आदमी उनको मिल गए, 19 आदमियों के साथ वो चले गए आगे। और एक ट्रोलिंग नाम का नाला है, उस नाले से होते हुए पूरा ऊपर तक पहुंच गए और फिर उन्होंने देखा कि मैं तो दुश्मन के पीछे आ गया हूँ, अब कोई अनुभवी अफसर हो जिसने थोड़ी बहुत सर्विस की है तो उसको पता होगा कि इतनी अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि आप दुश्मन के पीछे पहुंच गए हैं। लेकिन वो तो जोश में थे, यंग ऑफिसर थे, उन्होंने कहा मैं तो अपने पलटन के साथ, मैं अपनी कंपनी के साथ हमले में शामिल हूँ। फिर वो पीछे से आगे आए और आके अपनी कंपनी के साथ मिल गए, और जब वो कंपनी के साथ मिल गए तब तक उनके जो कंपनी कमांडर थे वो उनका उनको एक गोली लगी थी, ग्रेनेड का टुकड़ा लगा था और वो शहीद हो चुके थे। वो भी उनको बड़ा गहरा उसका असर हुआ, और साथ में ही उनके साथ जो उनके सीनियर जेसीओ थे मान सिंह सुंदर मान से, उनको एक एयर बस्ट हवाई बस्ट लगता है शेल, उसका एक लोहे का टुकड़ा उनके लगा और वो भी बुरी तरह से घायल हो गिर गए। तो उस वक्त ये एटमोसफियर था कि कंपनी कमांडर शहीद हो चुके थे और एक जेसीओ शहीद हो चुका था, और मान सिंह साहब को बड़ा लोहे का टुकड़ा लगने से वो घायल बुरी तरह से, कई लोग चिल्ला रहे थे लप रहे थे जिनको गोली वगैरह लगी हुई थी। उस समय पर पूरा जो कंपनी को संभालने का काम इनके यंग कंधों पे पड़ा, जो कि सिर्फ मात्र 5.5 साल की 5.5 महीने की सर्विस आईएमए से निकल के आए थे और इनको ये सिचुएशन का सामना करना था। मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी दलेरी से और हिम्मत से वो जो काम था उसको संभाला और आगे अपना टास्क पूरा किया, और वो आगे गए और जाके उन्होंने नौल के ऊपर कब्जा किया। लेकिन नौल के आगे पाकिस्तानी थे, 3 बंकर पाकिस्तानियों के नौल के आगे थे जिनमें मशीन गन लगी हुई थी। जो सबसे नज़दीक वाली मशीन गन थी वो सिर्फ 15 मीटर थी, यूँ मान लीजिए कि ये बोर्ड से इस दीवार से लेके उस दीवार, क्योंकि मैं हर साल जाता हूँ मुझे पता है, तो बिल्कुल नज़दीक थी और तीनों मशीन गन फायर कर रही थी। यहाँ पर जो था मृत्यु मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए कैप्टन साहब ने कहा कि मैं ये जो रिस्क है मैं किसी और को नहीं दूंगा, मैं खुद लूंगा, और अपने साथ एक फौजदार उन्होंने लिया, दोनों लोग आगे और पाकिस्तानियों के साथ दो आगे। 1.5 घंटा 2 घंटे तक उनकी ये आपस में गालियां और गोलियां चलती रही। फिर क्योंकि वो यंग थे उनका जो पेशेंस था वो खत्म हो गया,
और एक मोमेंट ऐसा आया, एक ऐसा मोमेंट आया जब उन्होंने फैसला कर लिया अब बहुत हो गया, अब ये पाकिस्तानियों को मानना ही पड़ेगा। और इत्तेफाक से पाकिस्तानियों ने उस टाइम पे गोलियां चलानी बंद कर दी, इत्तेफाक और उसी टाइम पे कैप्टन साहब ने सोचा अच्छा मौका है, एक कदम छलांग लगाई बाहर। जैसे ही बाहर छलांग लगाई तो पाकिस्तानियों ने गोलियां मारनी शुरू कर दी, गोलियां चलानी शुरू कर दी और इतने क्लोज डिस्टेंस पे, खासकर पूर्णमासी की रात थी जब दुश्मन बिल्कुल सब कुछ देख सकता था, कोई मिस करने का चांस ही नहीं था। साहब के माथे पे गोली लगी और वो देश के काम आ गए। तो यहाँ पे तो हो गया वर्णन जो लड़ाई के मैदान में हो रहा था। अब यहाँ पर उतने ही उत्साह के साथ, मुझे वो दिन याद आता है कितना उत्साह था नोएडा वासियों में अपने पुत्र को, अपने पुत्र वीर को एक शानदार विदाई दी जाए, अंतिम यात्रा जो कैसी हो यादगार यात्रा हो जाए। तो मुझे याद है कि डॉक्टर महेश शर्मा हमारे जो मंत्री हैं और महेश सक्सेना जी और बाकी सारे लोग थे, बहुत सारे अपने डीएम साहब थे, सीईओ, एसएसपी साहब और मतलब सब लोग वहाँ पे थे और उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया और इसको शहर की इज्जत मान के एक ऐतिहासिक इवेंट बना दिया और नोएडा की वजह से बाकी वीरों को भी पूरे भारतवर्ष में अच्छा सम्मान दिया गया। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस देश में वीर नहीं या वीरों की कमी है उस देश का पतन पक्का है, वो देश का पतन हो जाएगा और निश्चित है उसका पतन होना। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश में तो वीरों का भंडार है, तो ये जो वीरों की बातें हैं, अशोक जी ने भी कहा कि उनको सम्मान देना, उनको याद करना, उनको याद रखना, वीर उसी समय तक याद रहेंगे जब तक आप उनको जिंदा रखेंगे, जब तक आप उनके ऊपर कविताएं लिखेंगे, जब तक आप उनके नाटक करेंगे, जब तक उनके ऊपर पुस्तकें लिखी जाएंगी, जब तक उनके ऊपर ये मूवीज बनेंगी, तब तक वो जिंदा रहेंगे। जब तक आप चाहते हैं कि उनका वो जिंदा रहना चाहिए, तो मैं इस बात में बहुत प्रसन्न हूं कि हमारे शहर में और हमारे देश में वीरता की परंपरा चल रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कारगिल युद्ध के बाद वीरता की परिभाषा बदली हो गई, कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ वो ऑक्सफोर्ड में जो दिया हुआ है, हमारे शब्दकोश में जो दिया है, वो काफी नहीं है वीरता को समझाने के लिए, तो ये भी हो जाएगा। तो वीरों को याद रखने में जो लोगों ने बहुत योगदान दिया है उनमें श्री अशोक श्रीवास्तव सबसे आगे हैं। मैं सब पूरे नगरवासियों के सामने कहना चाहता हूं कि इनका प्रयास सचमुच बेमिसाल है।